नमन करता हूँ और साथ में महफिल में उपस्थित आप सभी स्नेहजनों को पंकजों प्रेम का प्यार भरा नमस्कार। तो एक मुक्तक कहने की कोशिश करता हूँ, आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि मुक्तक की रचना कैसे बताता हूँ। एक बार मैं कहीं गया हुआ था किसी घर पे, तो वहाँ दो परिंदे एक पिंजरे में बैठे हुए थे। अब मुक्तक से आप उनकी मोहब्बत समझिए, कैसे कि रात भर हम जगे पर वो अलग और मैं अलग, रात भर हम जगे पर वो अलग और मैं अलग, एक पिंजरे में रहे पर वो अलग और मैं अलग। दोस्तों डर लगा जब हमें बिजली कड़कने से, थे सलाखों से लगे, थे सलाखों से लगे पर वो अलग और मैं अलग। इसी के साथ एक गजल कहने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक अफवाह सुनी है, डू यू नो, मैंने एक अफवाह सुनी है, डू यू नो, हुई जवा उनकी मीठी है, डू यू नो, अपने परों पर है बहुत गरूर उसे, अपने परों पर है बहुत गरूर उसे, पर उससे ऊंची मिट्टी उड़ी है, डू यू नो। सैनिक क्यों चाह करे जिसकी, जब पल पल मौत उससे हंसकर मिलती है, डू यू नो। छिप जाए दिन दिल में कुछ राज दफन कर, छिप जाए दिन दिल में कुछ राज दफन कर, फिर रात बहुत रात खोलती है, डू यू नो। मेरे यारो किस्मत पे लगे ताले की मेहनत आखिरी चाबी है, डू यू नो। एक गजल पहले एक गजल पढ़ने के चाहूंगा। कि चेहरा मायूस हर एक पल में खिला दे बच्चा, चेहरा मायूस हर एक पल में खिला दे बच्चा, इसलिए खुदा तू मुझको बना दे बच्चा। फर्ज माँ बाप को हर याद दिला दे बच्चा, फर्ज माँ बाप को हर याद दिला दे बच्चा, जिसकी राह गुलों से जो सजा दे बच्चा। राज मैं खास तुम्हें इसका बताता हूँ अब, राज मैं खास तुम्हें इसका बताता हूँ अब, याद खुशियों को रखे गम को भुला दे बच्चा। तुम जरा बात सुनो हरिश की, क्या मालूम तुम्हें उम्र से अपनी बड़ी बात भुला दे बच्चा। तुम जरा बात सुनो हरिश की, क्या मालूम तुम्हें उम्र से अपनी बड़ी बात बता दे बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।